The boy is lazy. The kid
इज लाइवली। अब देखें यहाँ पर भी एडजेक्टिव्स ही आ रहे हैं, लेजी एडजेक्टिव है, लाइवली एडजेक्टिव है, लेकिन ये हमारे नाम के बाद में आ रहा है, नाम से पहले तो नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये कि द बॉय द कैट हमारा सब्जेक्ट पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, हमारा नाम फ्रेज है, उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी है और फिर हमारा एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव है वो किस पार्ट में आ रहा है, वो प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है ना। जब प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है हमारा एडजेक्टिव तो हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और दूसरी बात ये लोग करें कि यहाँ पर कितने वर्ब्स यूज हो रहे हैं, वन वर्ब्स है या टू वर्ब्स है। यहाँ पर देखिए टू वर्ब्स थे ना, एक ऑक्सिलरी था और एक मेन वर्ब था। द नंबर ऑफ वर्ब्स यूज इन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इज वन ओनली एंड दैट इज ऑक्सिलरी। बी सिर्फ बी फॉर्म इज यूज हो रही है, कोई और वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, ठीक है। और हमारा मेन वर्ड भी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी है। और ऑक्सिलरी का क्या पर्पज था, कि वो हमारे वर्ड को हमारे एडजेक्टिव को नाम के साथ ज्वाइन कर दे। तो हम एक और डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं कि जब एडजेक्टिव नाम से पहले आ रहा होता है तो उसको किसी और वर्ड की, चाहे वो ऑक्सिलरी हो चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे ऑक्सिलरी हो चाहे कंजंक्शन हो, उसको कंबाइन करने के लिए या फिर नाम से पहले उसको प्लेस करने के लिए हमें किसी भी प्रेपोजिशन की कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी एडजेक्टिव्स नाम के बाद में आ रहे होते हैं वहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को ऐड करते हैं। एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। इन दो सेंटेंसेस को कंसीडर करें। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस? एडजेक्टिव दोनों में सेम यूज हो रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो भी सेम यूज हो रहा है। देखिए बॉय हमारा सब्जेक्ट है और एडजेक्टिव और हमारा एडजेक्टिव है लेजी। लेजी भी दोनों में कॉमन है और बॉय भी दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस भी कहाँ पर आ रहा है, इनकी प्लेसमेंट पर डिफरेंस आ रहा है। एट्रिब्यूटिव के केस में लेजी बॉय से पहले प्लेस किया गया है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है। लेकिन जब हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं तो यहाँ पर लेजी बॉय के बाद आ रहा है, हमारे प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये कि देखें यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ड भी ऑक्सिलरी के साथ, यहाँ पर ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ड भी नहीं है, तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है ना। ये देखिए बिफोर नाउन एग्जिस्ट करते हैं, बिफोर नाउन एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिफोर नाउन प्लेस किया गया है, पर ये प्रेडिकेट पार्ट में प्लेस किया जाता है, हमने प्रेडिकेट पार्ट में प्लेस कर दिया। सेकेंड देखते हैं, कम विद ऑक्सिलरी एज वेल एज मेन वर्ड। ऑक्सिलरी भी आ रहा है और मेन वर्ड भी आ रहा है, कम विद ऑक्सिलरी वर्ड ऑन, सिर्फ ऑक्सिलरी के साथ आते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी मेंशन है यहाँ पर, कोई मेन वर्ड नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ आ जाते हैं। ये टाइप हमने डिस्कस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट एडजेक्टिव इज परफॉर्मिंग। एडजेक्टिव जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वो वाली टाइप एस्क्राइब कर देते हैं, हम वो वाली टाइप वो वाली कैटेगरी उसको असाइन कर देते हैं जो एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक्स
क्वालिटीज, क्वांटिटीज, नंबर्स, ऑर्डर्स, ये सब चीजें हमें एडजेक्टिव्स बता रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के साथ साथ जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये डिस्क्रिप्शन को भी इंक्लूड करते हैं, तो हम इनको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अलावा इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अलावा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का ऑप्शन आए तो आपने दोनों को सेम कंसिडर करना है। ये हमें बताते क्या है, काइंड या क्वालिटी ऑफ नाउन, क्या क्वालिटी है एक नाउन की, किसी भी प्लेस, पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या फिर उसकी काइंड को, उसकी कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए, दे इंक्लूड प्रॉपर नाउन्स व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स भी हमारे पास समटाइम्स एज एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, तो जब प्रॉपर नाउन को एज एडजेक्टिव यूज किया जाएगा तो हम उनको क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में प्लेस कर देंगे। एग्जाम्पल देखें, लाहौर इज अ लार्ज सिटी। अब देखिए, लार्ज क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो अपेयरेंस है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, उसका साइज बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखें, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए अगेन, क्वालिटी और काइंड ऑफ पर्सन बताया जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस मैन इज। ठीक है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, राइट। कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। अब देखें, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश इज समथिंग दैट पर्टेन्स टू इंग्लैंड, राइट। तो इंग्लिश प्रॉपर नाउन है लेकिन ग्रामर में एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। क्यों एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, बिकॉज वट इज द लैंग्वेज ऑफ विच ग्रामर इज बींग स्टडीड। हम किस लैंग्वेज के ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए इंग्लिश यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो नाम है ग्रामर, उसको फर्दर क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये कहते हैं वी आर स्टडिंग ग्रामर, सेंटेंस तो करेक्ट होता, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो सकती थी कि वट ग्रामर वी आर स्टडिंग, ऑफ वट लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई किया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज, कि ये इंग्लिश ग्रामर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसको हम रिलेट करते हैं प्रॉपर नाउन्स के साथ, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है लेकिन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव्स की, या नेक्स्ट कैटेगरी है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, जैसे हमें नेम से पता चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्वांटिटी बता रहे होते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी हमें किसकी बताते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी बताते हैं। दे आर रिलेटेड टू हाउ मच। ठीक है, क्वांटिटी को हम हाउ मच से रिलेट करते हैं, और स्पेशली जब क्वांटिटी आ रही होती है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो वहां पर हम उसको हाउ मच से रिलेट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। मच वाटर, मच गोल्ड, मच वेल्थ। अनकाउंटेबल नाउन्स की जब क्वांटिटी हमें बता रहे होते हैं एडजेक्टिव, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर आप यहाँ पर हाउ मैनी को शो करने वाले वर्ड को इंक्लूड करेंगे तो वो इसकी इनकरेक्ट वर्जन हो जाएगी, क्योंकि हम हाउ मैनी हम कहाँ पर यूज करते हैं, हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, और जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं
हम हम काउंटेबल नाउंस को इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए जब हाउ मैनी आएगा तो हम उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी यूज़ करेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। पर फिलहाल जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आप स्टडी कर रहे हैं या आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेस्ड ऑन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वहाँ पर हम हाउ मच को आंसर करेंगे और हम अनकाउंटेबल नाउंस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे। अनकाउंटेबल नाउंस की एग्जाम्पल देख के सामने है, वाटर, गोल्ड, वेल्थ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो आ जाती है अनकाउंटेबल नाउंस में। एग्जाम्पल्स देखें, आई एट सम राइस, ही शोड मच पेशेंस। इन दोनों एग्जाम्पल्स में राइस भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, पेशेंस भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सम हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मच भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। अब देखें, वेल्थ अगेन हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है ना, आप वेल्थ को काउंट तो नहीं कर सकते, उसके साथ हम ऑल यूज कर रहे हैं, ऑल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल्स को भी ऑब्जर्व कर लिया कि जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके लिए एडजेक्टिव्स यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और थर्ड टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिनको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? दे डिस्क्राइब हाउ मैनी। अब हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखा था हाउ मच, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं, जो हमें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हाउ मैनी। मैनी मीन्स दो चीजें डिस्कस की जाती हैं या इंक्लूड की जाती हैं। एक बात, हाउ मैनी, हम नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जो काउंटेबल नाउंस की क्वांटिटी है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव में ऐड करते हैं या इंक्लूड करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउंस की क्वांटिटी होती है हम उनको इंक्लूड करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको याद रहेगा और आपने याद रखना भी है क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों यूजेस के अकॉर्डिंगली एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की फर्दर थ्री टाइप्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की फर्स्ट टाइप्स हमारे पास आ जाती है अकॉर्डिंग टू हाउ मैनी एंड इन व्हाट ऑर्डर। फर्स्ट टाइप आती है डेफिनेट एडजेक्टिव्स, या इनको कहते हैं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। N is for numeral and A is for adjective. Definite numeral adjectives हमें बताते हैं exact number और order. Definite numeral adjectives में से जो हमें order बता रहे होते हैं, जो हमें number बता रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं cardinal adjectives या definite cardinal definite numeral adjectives या simply cardinal adjectives भी कह सकते हैं। तो cardinal adjectives हमें exact number बताते हैं किसी भी noun का, 1, 2, 3 इस तरह से। और जो ordinal definite adjectives होते हैं वो हमें order बताते हैं किसी भी noun का, 1st, 2nd, 3rd, right? कार्डिनल एडजेक्टिव्स, और जो हमें ऑर्डर बता रहे होते हैं नाउंस की
एग्जिस्टेंस का उनको कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. कमिंग टूवर्ड्स एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं वो नाउन्स जिनको हम वन आउट ऑफ मैनी कंसिडर करते हैं या स्टडी करते हैं, या फ्यू आउट ऑफ मैनी. कि एक पर्टिकुलर नंबर बहुत ज्यादा, एक जो कलेक्शन है उसी कैटेगरी के नाउन्स की, उसी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, उसमें से जब हम कुछ फ्यू पर्टिकुलर नाउन्स की बात करते हैं तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कंसिडर करते हैं. एग्जाम्पल देखें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रॉट हिज बुक. अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या बात की जा रही है, ईच मीन्स वन, एवरी वन स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, राइट. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से हर एक की बात की जा रही है, राइट. तो हमने हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली उस क्लास में से, उस कैटेगरी में से पिकअप किया. हम हर एक की बात कर रहे हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रॉट हिज बुक, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इंक्लूड किया. आज उसके बाद नेक्स्ट पे, एवरी पर्सन मस्ट परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी. अब इस केस में क्या हो रहा है, एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. फ्रॉम अमंग ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट समवेयर, ठीक है, सारे के सारे जो पर्सन, सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स जिनको इंक्लूड किया जा रहा था, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें से हर एक हो, एवरी पर्सन, राइट. एवरी पर्सन मस्ट परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी. अब देखें, ऑल द पर्सन्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, और ऑल द पर्सन्स की जो हमारे पास कैटेगरी है, मैनी पर्सन्स की जो कैटेगरी है, उसमें से हम हर एक की बात कर रहे हैं. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ईदर पेन विल वर्क. अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ईदर कहाँ पर यूज होते हैं, जब हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं, राइट, ईदर दिस और दैट. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बोथ पेन आर वर्केबल, बोथ पेन्स विल वर्क, राइट. तो ईदर हमारे पास तब यूज होता है जब हमारे पास टू पेन्स हैं, राइट. सो we are talking about the two pens and we are describing that every one of these two pens, in do pens mein se har ek pen jo hai wo workable hai, wo working hai. न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की थर्ड कैटेगरी के, जो जिसका टाइटल है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर. जब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते तो फिर ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, very much like the adjectives of quantity.
जिसमें हम सम फ्यू ऑल मैनी को यूज कर सॉरी सम फ्यू ऑल मच इस तरह की क्वांटिटीज को या इस तरह के एडजेक्टिव्स को यूज कर रहे थे. बट इनडेफिनेट एडजेक्टिव सॉरी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में डिफरेंस ये होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबल नाउंस को, लेकिन जब इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात आती है हम डिस्कस करते हैं काउंटेबल नाउंस को. क्योंकि इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स किस न्यूमरल एडजेक्टिव किस एडजेक्टिव्स की टाइप है, नंबर्स एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव की टाइप है. और न्यूमरल एडजेक्टिव्स में हमने स्टार्ट में ये बात डिस्कस करी थी कि वो हमारे काउंटेबल नाउंस को क्वालिफाई करते हैं, हमारे काउंटेबल नाउंस के अमाउंट के नंबर के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्म करते हैं. देखें इन दो एग्जांपल्स में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ रही है अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है. सेकंड एग्जांपल आ रही है हमारे पास काउंटेबल नाउन्स की. तो हम यहां से ये जज करते हैं कि जो जहां पर अनकाउंटेबल नाउन को मेंशन किया जा रहा है एक ही टाइप के एडजेक्टिव के साथ, दोनों सिचुएशंस में सम एडजेक्टिव है ना हमारे पास, लेकिन फर्स्ट केस में हमारा जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. सेकंड केस में क्या हो रहा है, हमारा सेम एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन्स के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ सॉरी ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है. यहाँ हमारे पास जो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं एनफ, दोनों केसेस में एनफ एंड एनफ, लेकिन कैटेगरी चेंज है. व्हाई? बिकॉज शुगर कौन सा नाउन है, शुगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन, बट व्हेन इट कम्स टू स्पून्स
करते हैं तो क्या आप स्पून्स को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्पून्स हमारे पास काउंटेबल नाउंस की कैटेगरी में आते हैं. स्पून्स कैन बी काउंटेड. तो जब हम इनफ को यूज करते हैं शुगर के साथ काउंटेबल नाउन के साथ, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो हम इसको इंक्लूड करते हैं या डिस्कस करते हैं किस कैटेगरी में? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में. लेकिन जब हम स्पून्स के साथ यूज करते हैं इनफ को, जब हम स्पून्स की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में इनफ को यूज करते हैं, स्पून्स की जो नंबर है या स्पून्स की अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पर इनफ एज एन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होता है. ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में ये फॉल करता है. अच्छा, एक टाइप रहेगी, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं. Demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives कौन से होते हैं? That point out some nouns. Demonstrative adjectives point out करने के लिए यूज होते हैं. The way we say that we are pointing out towards something that is maybe near to us, that is maybe far away from us. तो जब हम चीजों की तरफ point out कर रहे होते हैं वहां पर हम demonstrative adjectives use करते हैं. For example, this, that, these. तो ये वाले जब एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं, देखें बॉय के साथ दिस यूज हो रहे हैं, बॉय के साथ दैट यूज हो रहे हैं, बॉयज के साथ दीज यूज हो रहे हैं. गुड. अच्छा, अब देखें दिस हम कब यूज करते हैं? दिस हम यूज करते हैं फॉर द थिंग्स, फॉर द नाउंस, फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर टू अस, जो हमारे नजदीक होते हैं, बहुत दूर नहीं होते. इसी तरह दैट किस लिए यूज करते हैं? फॉर द थिंग्स दैट आर एब्सेंट. ठीक है, जो चीजें हमारे पास करंटली अवेलेबल नहीं होती फिजिकली, हम उनके लिए दैट यूज करते हैं. या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो हमसे फार अवे डिस्टेंस पर होती हैं, राइट. इसी तरह दीज, दिस की प्लूरल फॉर्म, राइट. जब हम बॉय की बात करते हैं तो हम दिस को यूज करते हैं, जब प्लूरल आ जाता है, जब बॉयज आ जाते हैं तो फिर हम दीज को यूज करते हैं. और दीज के लिए, दीज के साथ हम दोज को यूज करते हैं अगर हम अगर हम किसी ऐसे नाम को डिस्कस करें दैट इज नॉट करंटली प्रेजेंट हियर टू अस, राइट. जैसे हमने दैट यूज किया था ना फॉर द नाउंस दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते. या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो हमसे फार अवे डिस्टेंस पर होते हैं. इसी तरह दोज भी प्लूरल एडजेक्टिव्स के, सॉरी प्लूरल नाउंस के लिए यूज होता है. लेकिन वो प्लूरल नाउंस जो हमारे से ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं या फिर करंटली प्रेजेंट नहीं होते. लेट्स एंटर फॉर लेक्चर हियर. मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट शेयर करूंगी. आपने जैसे हमने नाउंस वाली एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किया, सॉरी इससे पहले वाली एक जनरल पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किया था ना, उसी तरह आपने इसको भी अटेम्प्ट करना है. आपने अंडरलाइन वर्ड्स को बताना होगा कि ये एडजेक्टिव्स की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. टेक केयर, लास्ट.